हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं आपकी म्यूजिक वोकल की टीचर श्रीमती सीमा केदारनाथ सिकसरिया गर्ल्स इंटर कॉलेज। आप पहचान रहे हैं मुझे, है ना? आज से मैं आपके ऑनलाइन क्लासेस शुरू करती हूँ। तो आज पहला दिन है, 10th क्लास का बोर्ड परीक्षा का होता है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको आपका सिलेबस बताना चाहूंगी। वैसे तो आपके समय समय पर एग्जाम टेस्ट सब क्लास में होते रहेंगे, लेकिन जो आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर आता है उसके हिसाब से पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि वो आपका 70 अंक का होता है, जिसके दो पार्ट होंगे 35-35 अंक के। एक प्रश्न पत्र होता है 3 घंटे का, उसके दो भाग हैं, खंड क और खंड खा। भाग का जो है वो शास्त्रीय शब्दावली की परिभाषाएं हैं, कुछ व्याख्याएं हैं, वो सब उसके अंतर्गत आएंगी। एक ही पेपर में रहेगा ये सब कुछ। उसमें जो कुछ आपको पढ़ना है वो है नाद किसे कहते हैं, नाद की उत्पत्ति कैसे है होती है, नाद का अभ्यास किस तरीके से किया जाता है, शब्द और वर्णों को गाना स्पष्ट उच्चारण के साथ, सप्तक किसे कहते हैं, तीनों सप्तकों का उसमें अध्ययन होगा, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। जो भी कुछ बताया जा रहा है इसमें क्वेश्चन आंसर होंगे। पहले हम आपको ये सब पढ़ाएंगे, जो कुछ भी ये बताया जा रहा है ये आपके पाठ का नाम है, इसके अंतर्गत इसी के हिसाब से हम कल से या आगे से आपकी पढ़ाई नियमित करेंगे। इसके बाद है आवाज के गुणों का उत्कर्ष और उसकी सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य और भोजन संबंधी नियम क्या होने चाहिए, ये क्वेश्चन आंसर। भातखंडे एवं विष्णु दिगंबर स्वर एवं लिपि पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन, ठाट किसे कहते हैं, ठाटों का वर्गीकरण, 10 ठाटों के नाम, उनके स्वर, ठाट से रागों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है ये आपको समझाया जाएगा। इसके बाद कुछ परिभाषाएं आपको याद करनी होंगी, जैसे मुरकी किसे कहते हैं, कण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्जित, वक्र, मीण, गति, सम, खाली एवं भरी। ये जो शब्द हैं इनके परिभाषाएं आपको समझनी है और याद करनी है। ये जो आपको बताया जा रहा है ये एक एक पाठ है, इसमें इससे संबंधित जो कुछ भी क्वेश्चन होंगे वो हम आपको पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन देंगे, उनके आंसर आपको कॉपी पर लिखने होंगे। तो ये जो है ये सब आपका सिलेबस अभी आज पहले दिन बताया जा रहा है। प्रश्न पत्र का जो दूसरा हिस्सा है उसमें संगीत का इतिहास और रागों का अध्ययन आता है। सेकंड पार्ट में आपकी कुछ गायन शैलियां हैं, जैसे ध्रुपद, टप्पा, ठुमरी, तराना, बड़ा और छोटा ख्याल, इनकी परिभाषाएं आपको याद करनी होंगी। आपके 10th क्लास के पाठ्यक्रम के जो भी राग हैं उनकी विशेषताएं, उनका स्वरों का विस्तार, अलंकारों के माध्यम से रागों की बढ़त और उसके भेद। इसके बाद जो कुछ आपको याद करना है वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जितनी भी तालें आपके कोर्स में हैं उनका ठेका, तालों के परिचय, उनका दुगुण, ये सब आपको लिखना और हाथ पर ताली लगाना बताया जाएगा। तालों को लिपिबद्ध करने का तरीका आपको बताया जाएगा। स्वर समूहों के छोटे छोटे टुकड़ों के आधार पर रागों को पहचानने और उनकी बढ़त की योग्यता आप में होनी चाहिए। वो इस प्रकार से होगा, जो भी राग आपको सिखाए जाएंगे जब वो आपको समझ में आ जाएंगे
आपको याद हो जाएंगे, आप उनके स्वरों को समझने लगेंगे, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं रह जाता है। जो भी स्वर गाए जाते हैं या आकार में या स्वरों में, वो किस राग के हैं वो आप पहचान पाएंगे। इसके बाद है संगीत संबंधित सामान्य विषयों पर कुछ निबंध लिखना, ये आपके कोर्स में है, आपके प्रश्न पत्र में बोर्ड परीक्षा में निबंध लिखने के लिए आते हैं। इसके अतिरिक्त तानसेन और विष्णु दिगंबर पलुस्कर की जीवनी आपको बताई जाएगी, संगीत में उनका योगदान। आप इस तरीके की जीवनी कुछ 9th क्लास पे भी पढ़ चुके हैं, जैसे अमीर खुसरो की, और 8th में भी पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है जीवनी में किस तरीके से जीवन परिचय लिखा जाता है और उनमें संगीत का योगदान भी लिखा जाता है। कुछ राग आपके कोर्स में है 10th क्लास में, जिसमें राग बिहाग और भैरवी दो रागों का विस्तृत अध्ययन आपको कराया जाएगा। विस्तृत अध्ययन से ये मतलब है कि इन रागों में आपको आलाप और ताने सिखाई जाएंगी, सरगम गीत होंगे, लक्षण गीत होंगे, छोटा ख्याल होगा, इस तरीके से आपको कई चीजें इसमें सिखाई जाएंगी। इन सभी रागों में, यानी इन दोनों रागों में, ध्रुपद और छोटा ख्याल ये आपको सिखाया जाएगा। छोटे ख्याल में आलाप और तान लिखने की योग्यता आप में विकसित होगी, आपको पहले बताया जाएगा, आप सीखेंगे और लिखना आ जाएगा आपको। इन दो रागों के अतिरिक्त राग देश, राग बागेश्वरी और राग काफी, इन रागों में आपको सामान्य अध्ययन करना है, जैसे कि इन तीनों रागों का परिचय, आरोह अवरोह पकड़ और एक छोटा ख्याल, सरगम गीत, लक्षण गीत, जो कुछ भी आपको बताया जाएगा वो आपको सीखना है। प्रत्येक राग में सरगम गीत और लक्षण गीत होते हैं और वो आपको सिखाए जाएंगे। प्रत्येक राग, जो 5 राग हमने आपको बताए हैं, इनके आरोह अवरोह पकड़ ये आपको अवश्य याद होने चाहिए, उन्हें लिखने की क्षमता होनी चाहिए, तो ये सारी बातें आपको पढ़ाई जाएंगी। ये जो गीत आपको सिखाए जाएंगे, या सरगम गीत, लक्षण गीत, ख्याल, इन सभी के साथ दादरा ताल, 3 ताल, 6 ताल, 1 ताल और 4 ताल, ये तालें प्रयोग की जाएं, इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। तो ये जो आपको सिलेबस या आपका पाठ्यक्रम बताया गया, ये इसके 2 पार्ट थे, 35-35 नंबर के, यानी 70 नंबर का आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर आता है, लेकिन मूल्यांकन आपका 100 नंबर का होता है। तो इससे स्पष्ट ये है कि जो बचे हुए 30 नंबर है उसका आंतरिक मूल्यांकन होता है, जिनमें कि साल में आपके 3 टेस्ट 5-5 नंबर के और 5-5 नंबर के 3 प्रोजेक्ट वर्क आपको करने होते हैं, वो 30 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन और आपका जो भी सिखाया जाता है उसका ग्रेड, ये सब आपका बोर्ड परीक्षा में टीचर द्वारा भेजा जाता है। तो ये तो आपका फाइनल एग्जाम या बोर्ड परीक्षा के लिए था, सिलेबस आपका ये पूरा साल में कंप्लीट कराया जाएगा, और जो आपका छमाई परीक्षा होगी वो पूरे 100 नंबर में से ही आती है। ये आपके जो टेस्ट समय समय पर लिए जाते हैं, इनका आंतरिक मूल्यांकन होकर ये बोर्ड परीक्षा में 30 नंबर का भेजा जाता है। तो आप लोगों को ये स्पष्ट हो गया होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है इस पूरे साल में। आपको मालूम है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो शुरू की गई हैं, वो कोरोना महामारी फैलने के कारण की गई है। अभी इसका समय पता नहीं है, आपका स्कूल कब तक बंद है। जब तक आपका स्कूल नहीं खुल रहा है, हम आपको इसी माध्यम से आपके संगीत विषय की शिक्षा देंगे।
बाकी का जो भी कोर्स होगा समय आपका स्कूल खुलने के बाद आपका कराया जाएगा, और इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना ध्यान रखें, घर में रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आती हैं उनका पालन आपको करना चाहिए। नमस्कार।